जब शक्ति माता महादेव से दूर हुई तब उन्होंने वैराग्य ले लिया और इसका प्रभाव न केवल महादेव पर बल्कि पूरे संसार पर पड़ा। महादेव के वैरागी होने से धरती का सारा संतुलन ही बिगड़ गया, जिससे सभी ओर हाहाकार मच गया। संसार की ऐसी हालत देखकर नारायण को चिंता सताने लगी और फिर उन्होंने महादेव को वैराग्य से बाहर निकालने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने गरुड़ को धरती पर सांपों को मारने के लिए भेजा। गरुड़, तुम इसी वक्त धरती पर जाओ और उसमें रहने वाले सभी सांपों को मार डालो। गरुड़, ऐसा करने की इच्छा तो नहीं होती, किंतु महादेव को वापस लाने का यही एक तरीका है। जो आज्ञा मेरे प्रभु। नारायण का आदेश पाते ही गरुण धरती पर जाकर सांपों की हत्या करना शुरू कर देते हैं। गरुण का ऐसा आक्रमण देख सभी सांप बहुत घबरा जाते हैं और वो अपने प्राणों की रक्षा हेतु अपने नाग देवता वासुकी के पास जाते हैं और उन्हें गरुण के अत्याचारों के बारे में बताते हैं। ये सुनकर वासुकी चिंता में पड़ जाता है और सभी सांपों को उनकी रक्षा करने का आश्वासन देकर स्वयं ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके ध्यान में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, लेकिन इस वक्त हम नागों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। वासुकी, तुम हमारे प्रिय भक्तों में से हो, कहो आज किस उद्देश्य से तुम्हारा कैलाश आना हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि नागों को रहने के लिए नागलोक मिला हुआ है प्रभु, परंतु कुछ नाग धरती पर भी रह रहे हैं। न जाने क्यों गरुड़ उन सबका अंत करने पर तुला हुआ है। कृपा करके उनके प्राणों की रक्षा करें प्रभु। तुम परेशान मत हो वासुकी, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव से आश्वासन मिलते ही वासुकी कैलाश से प्रस्थान कर धरती पर गरुण से लड़ने पहुंच जाता है। दोनों ही अपने असली रूप में आकर एक दूसरे के साथ आक्रमण शुरू कर देते हैं। दोनों पूरी जान से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं, मगर गरुण का वार वासुकी पर भारी पड़ता है और वो वासुकी को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी महादेव को याद करते हुए वासुकी कहता है, हे प्रभु, हे महादेव, अपने भक्त की रक्षा करो प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा करो। वासुकी की प्रार्थना करते ही महादेव तुरंत वहां हाजिर हो जाते हैं। हर हर महादेव, मुझे गरुड़ से बचाओ प्रभु, वो मुझे मार डालेगा। ये सुनते ही महादेव गरुण को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लाख समझाने पर भी वो उनकी एक नहीं सुनता और अपने प्रहार जारी रखता है। फिर महादेव भी उस पर पलटवार करते हैं, जिसमें गरुण बुरी तरह घायल हो जाता है और वो नारायण को याद करता है। उसी पल नारायण वहाँ प्रकट हो जाते हैं। महादेव, शायद आप ये भूल रहे हैं कि गरुण मेरा वाहन है, साथ ही मेरा भक्त भी। इसका अपमान मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं। मेरे कहने पर ही ये नागों का अंत कर रहा है। पर भला नागों पर ये अत्याचार क्यों? क्योंकि ब्रह्मदेव ने इनको रहने के लिए नागलोक दिया है, फिर ये सब वहीं जाकर रहे। मैंने नागों की रक्षा करने का वचन दिया है और मैं इनकी रक्षा अवश्य करूंगा। मान भी जाइए महादेव और ये बेकार का हठ छोड़ दीजिए, अन्यथा मेरा और आपका युद्ध संभव है। अगर यही बात है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। इतना कहते ही महादेव नारायण पर प्रहार शुरू कर देते हैं। दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आसमान में बादलों के बीच एक दूसरे पर प्रहार करना जारी रखते हैं। महादेव, ये युद्ध इस संसार का विनाश भी कर सकता है, भयंकर प्रलय का कारण भी बन सकता है, इसलिए अभी भी मेरी बात मान जाइए और इन नागों की रक्षा का विचार छोड़ दीजिए। अब ये युद्ध केवल इन दोनों का नहीं बल्कि हमारे बीच का युद्ध बन गया है। अगर धर्म और कर्म अलग अलग हैं, तो फिर इस ब्रह्मांड पर प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर महादेव युद्ध जारी रखते हैं। आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं, ज्वालामुखी फूटने लगती है, धरती कांपने लगती है, चारों ओर भयंकर तूफान चलने लगता है। ब्रह्मांड में सभी देवी देवता घबरा जाते हैं। धरती पर जानवरों और प्राणियों में हाहाकार मच जाता है। महादेव के प्रहार से नारायण पहाड़ से नीचे की तरफ गिर जाते हैं और इस तरह युद्ध और प्रचंड हो उठता है। अगर महादेव और नारायण जल्द शांत ना हुए तो निश्चित ही सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो आप ही इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ कीजिए ना ब्रह्मदेव। जब तक शिवजी स्वयं अपने वैराग्य से बाहर नहीं आते, तब तक उनका गुस्सा कोई शांत नहीं कर सकता।
उधर महादेव और नारायण का युद्ध जारी रहता है। फिर अचानक ही नारायण महादेव का कंठ पकड़ लेते हैं, जिस वजह से महादेव बेहद क्रोधित हो जाते हैं और वो नारायण पर अपने त्रिशूल से वार कर देते हैं। किंतु जैसे ही वो वार करते हैं, अचानक से उनका हृदय बेचैन होता है। अरे, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया, अपने ही आराध्य पर त्रिशूल चला दिया। इतना सोचते ही वो नारायण से क्षमा मांगने लगते हैं। हे भगवान, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने अपने ही आराध्य पर वार किया। उनके इतना कहते ही वो अपने वैराग्य से बाहर आ जाते हैं। फिर नारायण उनको समझाते हुए कहते हैं, महादेव, ये सब लीला हमारी ही रची हुई है। लेकिन क्यों? आपको वैराग्य से बाहर लाने के लिए मुझे ये खेल खेलना पड़ा, और इस लीला में आपके कंठ पर छपी मेरी उंगलियों के कारण भविष्य में आपको शितिकंठ के नाम से भी जाना जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद सारी प्रलय शांत हो जाती है। सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। चारों ओर खुशनुमा माहौल हो जाता है। साथ ही सारी सच्चाई सामने आने के बाद गरुण भी महादेव से क्षमा याचना मांग लेता है, और वासुकी महादेव के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करता है, मैंने बहुत कष्ट झेले हैं प्रभु, अब मुझ पर कृपा कर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तुम्हारा दर्द मैं भली भांति समझता हूँ वासुकी, इसलिए तुम्हारा स्थान आज से मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे कंठ में होगा। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। अब से मैं तुम्हें अपने कंठ में धारण करके रखूंगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। उसी दिन से महादेव वासुकी को अपने गले में धारण कर लेते हैं, साथ ही वासुकी को भी अपनी सच्ची भक्ति का फल मिल जाता है। माँ सरस्वती ब्रह्मलोक में बैठी अपनी वीणा बजाने में मुग्ध थी। तभी देवी लक्ष्मी उनके समक्ष उपस्थित होती हैं। प्रणाम देवी सरस्वती। प्रणाम देवी लक्ष्मी, आपने ब्रह्मलोक में पधारकर यहाँ के वातावरण को और भी मंगलमय बना दिया है। बस आज थोड़ा समय मिला तो आपसे भेंट के लिए चली आई, वरना मुझे फुर्सत ही कहाँ। जन कल्याण के कार्यों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अब क्या करूं, मेरा नाम ही लक्ष्मी है, धन और वैभव की देवी हूं, सारा विश्व मेरा आदर करता है, पृथ्वी पर घर घर में मेरा स्वागत होता है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ सुख संपत्ति वैभव अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सत्य है देवी लक्ष्मी कि आप सुख संपत्ति और वैभव की देवी हैं। यह भी सत्य है कि घर घर में आपका स्वागत है, किंतु क्या देवी सरस्वती किंतु आप कहीं टिकती नहीं, आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है, इसीलिए तो संसार आपको चंचला कहता है, और आप एक क्षण में रूठ जाती हैं और एक क्षण में मान जाती हैं। आज आप यहाँ हैं तो कल वहाँ, किंतु मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूँ। मैं एक बार जिस मंदिर में प्रवेश कर जाती हूँ वहाँ पर सदा के लिए स्थापित हो जाती हूँ, किंतु मेरे बिना किसी को भी जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता। मैं धन हूँ देवी सरस्वती, और निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। धन तो मैं भी हूँ देवी लक्ष्मी, पर अंतर सिर्फ इतना है, आपके द्वारा दिया गया धन सिर्फ तन के लिए होता है, और मेरे द्वारा दिया गया धन मन के लिए है। आपके द्वारा दिया गया धन कोई भी चुरा सकता है या फिर छीन सकता है, पर मेरे द्वारा दिया गया धन ना तो चुरा सकता है ना ही कोई छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरा दिया हुआ धन जितना भी बांटिए उतना ही बढ़ता है। देवी सरस्वती, आप जानती हैं राजा को राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मैं हूँ। आप भूल रही हैं देवी लक्ष्मी, ताज मुकुट का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसके पीछे राज तिलक का आधार ना हो, बल ना हो, संस्कार ना हो। राज तिलक के पीछे शक्ति होती है मंत्र की, विद्या की, ज्ञान की। और सच तो ये है देवी लक्ष्मी, जिसके पास मेरी दी हुई बुद्धि की शक्ति ना हो, उसके पास आपका दिया हुआ धन भी नहीं रह सकता। देवी सरस्वती, आप अपने मीठे मीठे वचनों के माया जाल में ना जाने क्या कुछ बोल रही हैं। शायद आप नहीं जानती देवी लक्ष्मी, मीठी वाणी वातावरण में रस घोल देती है। शब्द जब मंत्र बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। वाणी का जब दिव्यता से मेल होता है तब वह कंठ की शोभा बढ़ जाती है, और पूरा संसार उन मीठे वचनों को सुनने के लिए प्रेरित हो जाता है। पर सच तो यह है देवी सरस्वती, मेरे आने से उदास वातावरण भी रंगमय हो जाता है, मेरा आगमन रोते हुए को हंसा देता है। और ये बात तो आपने अवश्य सुनी होगी कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। देवी सरस्वती, अब तो आपको मानना ही होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ।
देवी लक्ष्मी, ज्ञान और धन में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वह है ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति की पूजा तो राजा भी करते हैं, अतः श्रेष्ठ मैं हूँ। देवी सरस्वती, हम इस विवाद में ना पढ़कर कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, हम इस बात का फैसला भगवान विष्णु पर छोड़ते हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। मुझे स्वीकार है देवी लक्ष्मी? ठीक है देवी सरस्वती, तो चलिए। देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात का फैसला सुनने के लिए वो दोनों भगवान विष्णु के पास पहुंची। देवी गंगा भगवान विष्णु के समक्ष पहले से ही उपस्थित थीं। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जाती हैं, पर वो देवी सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहती हैं। इस पर देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी से कहती हैं, हे देवी लक्ष्मी, आप मुझे स्वयं यहाँ लेकर आई हैं, पर आपने मुझे आसन ग्रहण करने के लिए नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का सत्कार इसी प्रकार किया जाता है? क्षमा कीजिए देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हैं, और मुझे अपने चरणों में रहने का अधिकार स्वयं भगवान विष्णु ने ही दिया है। और रही आपकी बात, आपके लिए तो सदैव ही यहाँ पर स्थान की कमी रहती है। यह समस्या मेरी नहीं, आप ही की है। मैं आपकी अतिथि हूँ, इसलिए आपको अपने स्थान पर मुझे बिठाना चाहिए। देवी सरस्वती, मैं तो अपना स्थान छोड़ने की कदापि सोच भी नहीं सकती। और मैं अपना स्थान छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी? तो देवी लक्ष्मी, आप मुझे यहाँ लाई ही क्यों? अब तो यह बात मुझे स्वयं भगवान विष्णु से पूछनी पड़ेगी कि यहाँ मेरा स्थान कहाँ है। किंतु इस समय यह संभव नहीं है देवी सरस्वती, श्री हरि इस समय योग निद्रा में है। तो क्या हुआ देवी लक्ष्मी, मैं उन्हें जगाऊंगी, और मैं आपको इसकी अनुमति कदापि नहीं दूं। देवी लक्ष्मी, इस समय आप मेरा घोर अपमान कर रही हैं। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी सत्य ही तो कह रही हैं। देवी गंगा, मैं जानती हूँ आप देवी लक्ष्मी की हाँ में हाँ क्यों मिला रही हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे विरुद्ध लगातार आपके कान कौन भरता रहता है। आप गलत समझ रही हैं देवी सरस्वती, भला मेरे कान कौन भरेगा? देवी गंगा, देवी सरस्वती का संकेत मेरी ओर है, ये सोच रही है कि मैं आपको इनके लिए भड़काती हूँ। देवी लक्ष्मी, मुझे संदेह ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। यह सरासर अन्याय है देवी सरस्वती, यह बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाने के लिए सदैव ही व्याकुल रहती हैं। किंतु भगवान श्री हरि ने यह स्थान स्वयं मुझे दिया है, आप तो बेकार में ही देवी लक्ष्मी पर क्रोधित हो रही हैं। गंगा सत्य कह रही है देवी सरस्वती, मैं भली भांति जानती हूँ आप दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही हैं। देवी सरस्वती, यदि आपके मन में देवी लक्ष्मी के लिए कोई बैर है तो कृपया करके मेरे साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करें, तो यही उचित होगा। देवी गंगे, मैं जानती हूँ, मैं स्वयं इतनी सक्षम हूँ कि एक दिन मैं अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता से भगवान श्री हरि के चरणों में ही नहीं, उनके हृदय में भी स्थान जरूर प्राप्त कर लूंगी। नहीं देवी सरस्वती, नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। नारायण के हृदय में मेरा निवास है, और कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मुझे श्री हरि के हृदय से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो आप मुझे चुनौती दे रही हैं देवी लक्ष्मी? देवी सरस्वती, आपका विवाद गंगा से आरंभ हुआ था, और आज आपने उस विवाद को आगे बढ़ाकर मेरे तक पहुंचा दिया। देवी सरस्वती, यदि आपको मेरे से ईर्ष्या है कि मैं धन वैभव की देवी हूँ, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? यह स्थान तो मुझे स्वयं आदिशक्ति परमेश्वरी ने दिया है। अच्छा देवी लक्ष्मी, आपको इतना अहंकार है अपने वैभव और ऐश्वर्य पर, तो मैं आपको इस स्थान से अर्थात विष्णु लोक से दूर करती हूँ। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी। देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी को श्राप दे देती हैं कि वो तुलसी रूप में धरती पर रहेंगे। इतनी देर में देवी गंगा देवी सरस्वती को श्राप देती हैं कि देवी सरस्वती धरती पर नदी रूप में प्रवाहित होंगी। देवी सरस्वती गंगा को श्राप देती हैं कि वो धरती पर बहकर पापियों के पाप धोएंगी। एक दूसरे से क्रोध में श्राप देने की बात देवी परमेश्वरी के कानों तक पहुँचती है। परमेश्वरी देवी, कि आपकी रचाई दोनों शक्तियाँ लक्ष्मी और सरस्वती आपस में झगड़ा कर रही हैं, ऐसा क्यों? देवी काली, धन और बुद्धि में तो सदैव संघर्ष रहा है, इन दोनों ने सदैव ही अपने आप को श्रेष्ठ कहा है। ऐश्वर्य कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है, और ज्ञान कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है। दोनों के बीच श्रेष्ठता का ये युद्ध सदैव चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा, परंतु इसका परिणाम क्या होगा? ये तीनों देवियाँ कहाँ जाएंगी? देवी काली, जन कल्याण की सहायता के लिए देवी लक्ष्मी राजा धर्मध्वज के घर तुलसी रूप में जन्म लेगी। देवी सरस्वती एक कल्याणकारी जलधारा के रूप में प्रकट होंगी, और देवी गंगा को भागीरथ नाम का एक महान तपस्वी राजा धरती पर उतार कर ले जाएगा। हे देवी परमेश्वरी, ये सब आप ही की इच्छा से हो रहा है,
आपकी लीला अपरंपार। देवी लक्ष्मी, आप किस चिंता में हैं? स्वामी, मुझे देवी सरस्वती ने श्राप दिया है कि मैं पृथ्वी लोक पर एक साधारण मानव रूप में आपसे दूर रहूंगी। देवी लक्ष्मी, ये श्राप के कारण नहीं है, ये तो विधि का विधान है, ये पहले ही तय हो चुका था। वो देखिए, पृथ्वी लोक पर राजा धर्मध्वज, जिनकी कोई संतान नहीं है, वो आपको संतान रूप में पाने के लिए बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर पर मिट्टी ने अपना कब्जा कर लिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, कोई वन्य जीव जंतु उनको अपना शिकार बना ले। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओ कमल लोचन, ये मैं क्या देख रही हूँ? राजा धर्मध्वज तो मेरे ही नाम का स्मरण करके तपस्या कर रहे हैं। मुझे उनको वरदान देना ही होगा, परंतु देवी सरस्वती ने मुझे श्राप दिया था कि मुझे आपसे दूर होना होगा। मैं आपके बिना पृथ्वी लोक पर कैसे रहूंगी स्वामी? देवी लक्ष्मी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, जिस तरह आप मेरे बिना अधूरी हैं, उसी तरह ये विष्णु लोक और मैं भी आपके बिना अधूरे हैं। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा, आप अपना कर्तव्य निभाइए। मुझे आज्ञा दीजिए नारायण। और फिर देवी परमेश्वरी की इच्छा से देवी लक्ष्मी ने तुलसी रूप में, देवी सरस्वती ने नदी की धारा के रूप में, और देवी गंगा ने अपने वेग से बहते हुए जन कल्याण में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया।